फोटोशॉप में एक और हम नई एक्सरसाइज सीखते हैं और इस एक्सरसाइज का यूज भी आप अपने वेब पेज को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें आप एनिमेशन जोड़ सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप वेब पेज में जो भी टेक्स्ट है या कोई भी इमेज है उसको एनिमेटेड फॉर्म में आप दिखा सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये एनिमेशन इफेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट चुन लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो इस प्रकार से 800x600 साइज का हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, मार्क्यू टूल लेते हैं। मार्क्यू टूल लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। जहां पर केवल हम डेमो के लिए बता रहे हैं कि आप रिएक्टेंगल ले लीजिए, उसकी जगह कोई इलिप्स ले लीजिए, कोई पिक्चर ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं, कोई कस्टम शेप टूल ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हो उसको आप ले सकते हो। यहां केवल एक प्रैक्टिस के लिए समझने के लिए जो है हमने इस तरीके से सर्किल टूल ले लिया है। इस पे जाकर के हम कोई भी कलर भर देते हैं, ये कलर हमने भर दिया। अल्टर के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो इसमें एक कलर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। अब इस लेयर की हम डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर में क्लिक कर देंगे, दूसरी लेयर बन गई। फिर उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से डुप्लीकेट लेयर में क्लिक करेंगे, दूसरी लेयर बन जाएगी। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। इस तरीके से हम जितनी बार चाहें डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। और इसका एक और ऑप्शन है कि कीबोर्ड से कंट्रोल जे भी आप प्रेस करोगे तो उसकी भी डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। तो इसकी हमने कई डुप्लीकेट लेयर इस प्रकार से बना ली है। इन लेयर्स को आप मूव टूल की सहायता से देखिए, इस तरीके से जब नीचे लेकर के आएंगे ये लेयर्स आपको अलग अलग, आप इन लेयर्स को इस प्रकार से कर सकते हो। ये सारी लेयर्स आपको ऐसे करके अलग अलग दिखाई देंगी, ठीक है। ये देखिए इन सारी लेयर्स को हम इस तरीके से अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको लेयर्स को हटाना है तो यहां से राइट क्लिक करिए और डिलीट लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करिए और डिलीट लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो लेयर डिलीट भी हो जाएगी। तो अभी हमारे पास इस प्रकार से चार लेयर है। अब इसको देखिए हम कैसे इमेज रेडी का इस्तेमाल करके इसको एनिमेटेड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और उसके बाद हम जंप टू एडोब इमेज रेडी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पर इमेज रेडी ओपन हो चुका है और वही जो फोटोशॉप में हमने जो लेयर बनाई हुई थी, जो सर्किल बनाया हुआ था, वो भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमको एनिमेशन लगाने के लिए इस एनिमेशन पैलेट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए दिखाई नहीं देता है तो आप विंडो में जाकर के यहाँ से एनिमेशन ऑप्शन चुन करके इस प्रकार से एनिमेशन को ला सकते हैं। उसके बाद ये देखिए सारी फ्रेम, सारी लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन लेयर के लिए एनिमेशन फ्रेम बनाने के लिए इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके क्लिक करेंगे मेक फ्रेम फ्रॉम लेयर। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो सभी लेयर्स के लिए अलग अलग फ्रेम जो है क्रिएट हो जाएगा। सबके लिए हम यहाँ से जाकर के टाइमिंग सेट कर देते हैं, जिस भी प्रकार की हमने यहाँ पर 0.2 सेकेंड टाइमिंग सेट कर दी, ठीक है। अब जब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो देखिए ये इस तरीके से एनिमेटेड होकर के दिखाई देगा। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें उसी इमेज पे अलग अलग हमने टाइम सेट कर दिया है तो ये इमेज जो है इस तरीके से अलग से चल रही है। इसको स्टॉप करना है, स्टॉप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है फॉरएवर, इसकी जगह आप वंस पे क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे तो केवल ये एक बार ही चलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉरएवर सेलेक्ट कर देंगे तो ये क्लिक करने पर जितने बार आप इस इमेज को चलाना चाहे उतने बार ये इमेज चल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इमेज रेडी का इस्तेमाल करके फोटोशॉप की किसी इमेज को एनिमेटेड फॉर्म में भी बना लिया। अब इसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके प्रीव्यू भी देख सकते हैं, या जैसा कि हमने बताया था कि आप इस फाइल को जाकर के वेब पेज के रूप में सेव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेव ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन को चुनना है और यहाँ से जाकर के आप इसे देखिए GIF इमेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत सी इमेजेस देखी होंगी फोटो फेसबुक वगैरह में भी कि जो कुछ एनिमेटेड रूप में चलती हुई रहती हैं, है ना, उसे आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। आपकी इमेज भी ऐसी चलती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद अभी हम यहां से HTML चुन लेते हैं। HTML चुनने के बाद यहां पर हम नाम दे देते हैं अपनी फाइल का, हमने नाम दे दिया एनिमेशन और इसको सेव कर दिया है। अब चलिए अब हम अपनी फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे। ये देखिए जब हम अपनी फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं तो वो भी एक HTML के रूप में हमारा ये टेक्स्ट एनिमेटेड होकर के दिखाई देता है। अभी तक हमने HTML में भी कुछ कोडिंग जब करते थे तो हमने देखा था कि उसमें इस तरीके से कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि वेब पेज में हम कुछ चीजें जो है एनिमेटेड कर सकें। लेकिन ये इमेज रेडी ने वो हमको सुविधा दे दी कि किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को या कोई भी डिजाइन को हम एनिमेटेड करके अपने स्क्रीन पर, अपने वेब पेज पर जो है चला सकते हैं।